नीलोखेड़ी में बस अड्डे के पास हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के गोदाम में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने की सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए इंद्री तरावड़ी करनाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हजूम उमड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। आग लगने की घटना के कारण जीटी रोड पर भी जाम की स्थिति बन गई। पुलिस प्रशासन ने जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया। नीलोखेड़ी निवासी रमेश कुमार बाली ने बताया कि यह एग्रो का गोदाम है, उसमें बारदाना पड़ा हुआ था जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नीलोखेड़ी निवासी कपिल ने बताया कि यहां एग्रो का गोदाम है, जहां पर गेहूं ढकने के लिए तिरपाल आदि रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। थाना बुटाना प्रभारी संदीप मठान ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के गोदाम में अचानक आग लग गई। यहां पर गेहूं के कट्टे ढकने के लिए प्लास्टिक की तिरपाल आदि रखे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। रमेश कुमार बाली, यहाँ जो एग्रो का गोदाम है, यहाँ पे पोलोथीन और बारदाना जो पड़ा था उसी में सारी आग लगी है। जहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जब तक 2-3 गाड़ियाँ नहीं आती तब तक ये आग बुझेगी नहीं। नहीं, आग लगी कैसे, कुछ घटना हुई है कैसे? कोई शॉर्ट सर्किट से ही हो सकता है, और तो कोई है नहीं, शॉर्ट सर्किट ही है कोई बिजली का। कबाड़ी की दुकान कब से थी ये घर? कबाड़ के लिए काफ़ी एग्रो का सामान है, एग्रो की कनक कंपनी करते हैं, हरियाणा एग्रो की है, उसका जो सारा सामान है यहाँ पे रखा जाता है एग्रो, उसका जो बारदाना पड़ा था उसको आग लगी है, प्लास्टिक है ज़्यादा। निवासी हूँ मैं, अभी यहीं से गुजर रहा था तो देखा शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ आग लगी है। काफ़ी खौफनाक मंजर है ये। फायर ब्रिगेड तरावड़ी से बुलाई गई है अपना पानी के लिए। अभी पानी खत्म हुआ है तो दोबारा वो भरने गए हैं उसको। कितनी फायर ब्रिगेड पहुंची है? अभी 2 फायर ब्रिगेड पहुंची है, एक नीलोखेड़ी से, एक तरावड़ी से पहुंची है। बाकी करनाल से भी बोला है फायर ब्रिगेड वालों को, वो भी पहुंचने वाले हैं अभी तक। कैसे देखते हैं कि ये इतनी जबरदस्त आग लगी और कुछ भी नुकसान? प्रशासन की देखो गलती है, किस प्रकार ये मोमजामा वगैरह इन्होंने पॉलीथीन यहाँ बिछा रखा है जिस कारण ये आग लगी है। किस चीज का दफ्तर है ये जहाँ पे आग लगी? हरियाणा एफेड का गोडाउन, उसमें आग लगी। सर कैसे आग लगी थी और कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मौके पर पहुंची थी? आग लगने का कारण तो अभी तक पता नहीं लग चुका। ये एग्रो का गोडाउन है, यहाँ पर जो वीट के ऊपर ढकने कवर होते हैं प्लास्टिक के, उनमें आग लग गई थी। जो मौके फायर ब्रिगेड्स आ गई थी इंद्री से भी करनाल से भी, तो अब अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल कर लिया गया आग के ऊपर। सर कितनी देर लगी है कंट्रोल करने में? 1.5 घंटे करीब लगा इसको कंट्रोल करने में। अच्छा, और मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में भी, जैसे मतलब एकदम से आग लग, किस वजह से लगी आग सर? पता नहीं है, तो पता लगेगा इसको तो फिर बात करेंगे। कुछ लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, वायर टूटी है शायद उससे लगी। आज न्यूज के लिए नीलोखेड़ी से रूबी की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।